आमतौर पर सांप को देखकर उसका डरना और पत्थर से वार करना इंसान की आदत सी बन गई है। इसी से कई बार सांप डरकर इंसानी तौर पर हमला भी कर देता है। लेकिन कुल्लू में एक शख्स ऐसा भी है जो सांप को पकड़कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाता है। इसे सांपों की कई प्रजाति महफूज भी रही है। अब तक भूतर के खोकन से संबंधित रखने वाला सोनू ठाकुर 400 सांपों को पकड़ चुका है। इनसे कई जहरीले भी थे। हालांकि शुरू से सोनू सांपों को पकड़कर लोगों का बचाव करने था, लेकिन बाद में यह उनका शौक भी बन गया। अब कुल्लू सहित भूतर शहर में जहाँ भी सांप निकलते हैं तो सफेद को न बुलाकर सोनू ठाकुर को बुलाते हैं। वे सांप की प्रकृति भापते हैं और अपने नंगे हाथों से पकड़ते हैं। इसमें से किसी भी तरह का हथियार का प्रयोग नहीं करते ताकि सांप को ताकत खरोच भी न लगे। सांप भी उनके साथ कठपुतली बन जाते हैं। सोनू की फेसबुक पर कई सांपों के प्रयत्न से भरा पड़ा है। उनके महज 15 साल की उम्र में ही सांप को पकड़ने का आगाज किया। बकौल सोनू, जब भी अपने खेत में काम करते थे उन्हें वहाँ दो सांप मिले। सांप पकड़ने के बाद उन्होंने सांपों को गुफा पर अंदर डाला। इनके शौक, जुनून और जज्बे के बाद सांप को पकड़ने का सिलसिला शुरू किया है। PM News 24 की रिपोर्ट।